पुढची बातमी. कल्याण कोळशेवाडी पोलीस स्थानकात कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप बोराडे यांना लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात अटक केली आहे. कल्याण पूर्व कोळशेवाडी पोलीस स्थानकात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप बोराडे यांनी पोलीस स्थानकात दाखल असलेल्या अदखलपात्र गुन्ह्यात तक्रारदार विरुद्ध कारवाई न करणे, कामी तसेच यापुढे सहकार्य करणे, 10,000 रुपये लाचेची मागणी केली होती. यामधील 9,000 रुपये तक्रारदाराने देऊ केले. त्यानंतर त्रस्त तक्रारदाराने याबाबत ठाणे लाचलुचपत विभागाला तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास करत सापळा रचत बोराडे याला उर्वरित 1,000 रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात अटक केलं. कृपाना सुगवंत सिंग, मेरे भाई का एक हफ्ता पहले झगड़ा हुआ था, उन्होंने आके मेरे ऊपर एनसी किया और संदीप बोराडे ने 2 पुलिस भेजा और मेरे को बुलाया. तो फिर मैं आया तो मेरे को 5.5-6 घंटा बैठाया. बैठाने के बाद में फिर मेरे से पैसे का मांग किया 20,000 रुपया, फिर बाद में बोला 12,000, फिर 10,000, फिर मैं 7,000 रुपया ला के दिया. तो फिर बोले नहीं, एक को बैठना पड़ेगा, एक को जाना है. तो फिर मैं 2,000 रुपया और ला के दिया. फिर बोले नहीं, एक को बैठना पड़ेगा. फिर मैं बोला साहब, मैं मंगलवार को ला के देता हूँ. फिर मंगलवार को मेरे नहीं गया तो फिर बुधवार को मेरे को रास्ते में मिले, बोलते क्या रे पैसा लाया क्या. तो फिर आज फिर क्या कार्रवाई हुई? फिर कार्रवाई हुई वो. फिर कल रात को मैं आया, कल रात को आया तो बोले कि मेरे को 5,000 रुपया ला के दे. फिर बाद में बोले 20,000 रुपया ला के दे. फिर बार बोले 1,00,000 रुपया ला के दे. फिर सुबह में आया तो बोले कितना लाया, बोला साहब 1,000, बोलते 5,000 रुपये तला. फिर मैं उनको 1,000 रुपया दिया. फिर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई.